नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कमजोर पड़ते ही सभी सियासी दल, खासकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी 2023 के मध्य रजत तैयारियों में जुट गई है। दोनों प्रमुख दल रणनीति के तहत न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जनता का विश्वास जीतने के लिए अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ एक दूसरे की खामियां भी खूब गिना रहे हैं। इसका जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के सह संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश के उस वक्तव्य को लेकर टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी किसी के भरोसे और कमजोरियों के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय अकेले चुनाव लड़े और जीते। शिव प्रकाश ने ये बात भले ही किसी और संदर्भ कही हो, लेकिन इसके अलग मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा यह तक जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 15 साल तक सिर्फ इसलिए शासन किया क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी के चलते बहुत कमजोर थी, लेकिन जैसे ही पार्टी एकजुट हुई बीजेपी के हाथों से सत्ता चली गई। खैर, अंदर की असल बात क्या है, जनता मांगे जवाब में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे, कमजोर कौन, पंजा या फिर कमल। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश ने मिशन 2023 के लिए पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स देते हुए एक बड़ी बात कही, जिसे लेकर अब सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। वैसे ऐसा लाजमी भी है। इतना ही नहीं, शिव प्रकाश के बयान के बाद दो बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, जिसमें पहला यह है कि क्या वाकई कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल तक शासन किया, और दूसरा सवाल यह है कि सह संगठन महामंत्री ने जो कहा है कि उससे बीजेपी के प्रदेश में राजनीतिक जमीन मजबूत होगी या फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल करने के साथ ही सत्ताधारी कांग्रेस को विपक्ष पर तंज कसने का मौका मिल गया है। चलिए इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें, उसके पहले एक रिपोर्ट की देखकर इस मुद्दे को समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता पाने की दौड़ अभी से शुरू हो चली है। एक और सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस लगातार नई नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में मिशन 2023 के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स मिलना शुरू हो गए हैं। बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी शिव प्रकाश ने अपने रायपुर के दौरे पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कई ऐसे मंत्र दिए हैं जिससे अब तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी में जान आ जाए और महाजंग से पहले वो मजबूत हो जाए। इतना ही नहीं, शिव प्रकाश ने ये भी कहा है कि इस बार बीजेपी किसी के भरोसे और कमजोरियों के सहारे चुनाव लड़ने की बजाय अकेले चुनाव लड़े और जीते। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने ये जो बात कही है उसके अब न सिर्फ कई तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं, बल्कि टीका टिप्पणी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिव प्रकाश की बातों को जहां सकारात्मक तौर पर लिया है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे लेकर विपक्ष पर तंज कस रहा है। गठबंधन की राजनीति बहुत हो गई, उनका मत यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है आगे आने वाले समय में, और स्पष्ट ये कहना है कि जिस प्रकार से पोलराइजेशन पूरे देश में वोटों का हो रहा है, पार्टी को ये तैयार करना चाहिए कि 51% वोट कम से कम हमको मिल सके। मुझे लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिस्थितियों से शिव प्रसाद जी को ज्यादा अवगत कराया नहीं गया है। क्या है कि किसी के सहयोग से सरकार बनने का जो काम हुआ था 2003 में, डॉक्टर रमन सिंह जी एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बनाए थे। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयानों के बीच ये बात गौर करने वाली है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी गठबंधन जैसे हालात नहीं बने हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन के शीर्ष नेताओं के बीच किस बात का चिंतन चल रहा है? क्या सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश का बड़ा बयान छत्तीसगढ़ में किसी के लिए नई सियासी जमीन तैयार करने की दिशा में कोई संकेत तो नहीं है? आने वाले समय में ये देखना भी अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में पंजा कमजोर है या फिर कमल? चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। भंसाली साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी हैं। मार्कंडे जी आपका भी स्वागत है, और इस पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी आपका भी स्वागत है। मार्कंडे जी आपसे ही सवाल है, क्या ये सही है कि आपने, मैंने 15 साल तक जो सत्ता आपने पाई थी वो आप अपने भरोसे पे नहीं थी, सीधा सीधा इशारा कहीं और है, उनका इशारा आप भी समझ गए होंगे कि जो भीतरघात कांग्रेस में होता था उस तरफ इशारा है, या सीधे सीधे कहें तो जोगी जी के भरोसे आपकी सरकार बनती रही? देखिए ऐसा है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 15 वर्ष की जो सरकार रही है जी, वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के कारण रही है, और हम अपने दम पर सरकार चलाए हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सेवा किए हैं भारतीय जनता पार्टी 15 साल में, जिस तरह से विकास किए हैं, जिस तरह से जन कल्याण की योजनाएं तैयार किए हैं, जिस तरह से सेवा किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और शिव प्रकाश जी की जो बातें हैं उन बातों का गलत या उल्टा मायने निकालकर अगर कोई बात होती है या कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इन बातों का कोई चर्चा परिचर्चा में या राजनीति में कोई मायने होना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में मजबूती देने के लिए नीचे स्तर पर कैसे काम कर सकते हैं, तो उनने इस संदर्भ में कहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, आने वाला समय में हम मजबूती से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और पहले भी हम चुनाव लड़े हैं मजबूती के दम से, तो आप लड़ते रहे हैं, तभी तो हम जो है 3 बार सत्ता में आए हैं। मजबूती के दम पे तो आप लड़ते रहे हैं, अब उनको ये क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस कमजोर थी इसलिए आप आए? आपने कहा कि जनता का भरोसा हमने जीता, निश्चित तौर पे आपने 2008-2013 में कुछ न कुछ रहा होगा, लेकिन कहीं जब जनता का भरोसा टूटा तो आप 14 में सिमट गए, सीधे सीधे 2/3 बहुमत से बनाई सरकार कांग्रेस ने। नहीं तो ठीक है ना, वो तो राजनीति में होता ही है। मैं एक प्रश्न मतलब एक उदाहरण देता हूँ जी, कि आजादी के बाद अगर कांग्रेस लगातार सत्ता में रही तो इसलिए नहीं रही कि कांग्रेस को मतलब देश जो है चाहता था, इसलिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, विपक्ष नहीं थी, इसलिए वो सत्ता में रही। तो ये बातें अगर हम कहें तो ये भी एक वैसे ही है जैसे आप अभी इस डिबेट में वो बातें आ रही हैं, तो वैसे ही है कि इसको अगर हम कहें कि वो तो मायने संदर्भ अलग है, उसको इस सत्ता से या सरकार से जोड़कर उसको देखना नहीं चाहिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारा संगठनात्मक मजबूती को लेकर उनने उदाहरण स्वरूप ऐसी बातें कहें जिसमें उनका कहना था कि नहीं, हम कार्यकर्ताओं को किसी की सहयोग सहारा से सरकार या सत्ता या संगठन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम अपने आप को इतना कैपेबल रखें, इतना मजबूत रखें कि आने वाला समय किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए हम मजबूत रहे, और अगर अपने दम पर, अपने मुद्दों पर, अपने जनता के जो है मुद्दे हैं या हित है उस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़ते थे, उसको और बेहतर करने की बातें नहीं, तो ये बात आ कहां से गई मार्कंडे जी कि किसी के सहयोग से नहीं हम अपने दम पे लड़ेंगे? आप इसके पहले भी तो दम पे लड़ते थे, मतलब सीधे सीधे सहयोग का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में जो पहले अंदरूनी कलह गुटबाजी थी वो सहयोग कर रही थी आपको? नहीं, हम तो किसी के सहयोग की जरूरत तो पहले पड़ी है ना, आज है और ना ही आने वाले समय में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और जनता की आवाज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और हम अपने मजबूत आधार के आधार पर चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय। चलिए भंसाली जी, आप इस जो भी शिव प्रकाश जी ने कहा है उसके क्या मायने निकालते हैं आप? क्या वाकई में आपके अंदर जो कलह थी उस कलह का फायदा उठाती रही है बीजेपी,
वो तो दिख भी रहा है, बाबूलाल जी उसमें ज्यादा स्पष्ट बता देंगे। आप भी समझ गए होंगे जो कि कांग्रेस बनी है उसके बाद से आप दो तिहाई बहुमत से चुनाव जीत गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री श्री प्रताप जी ने अपने बयान से ही बीजेपी के 15 वर्षों के डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल की पूरी पोल खोल दी है जी। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2003 में जैसा कि आदरणीय रविन्द्र चौबे जी ने भी कहा कि जो आपके डॉक्टर रमन सिंह जी थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो एक्सीडेंटल थी। इसके बाद 2008 और 2013 में एक्सीडेंटल क्यों थी? सहयोग किया एक्सीडेंटल क्यों थी? और किन लोगों ने कांग्रेस भंसाली जी एक्सीडेंटल क्यों थी? एक्सीडेंटली थी, मैं तो उससे एक्सीडेंटल ही कहूंगा। क्यों? बिल्कुल एक्सीडेंटली थी। कुछ चीजें समझ से बदल, एक्सीडेंट अचानक ही होता है जब आदमी गाड़ी चला रहा होता है और उसको थोड़ी पता है कि एक्सीडेंट होता है। उनके पास बहुमत था, वो सीएम बन गए, सरकार बन गई उनकी, बहुमत था उनके पास। हाँ, बहुमत था तो एक्सीडेंटल बहुमत था, मैं ये कह रहा हूँ। और 2008 और 2013 में किन लोगों ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया और किन लोगों ने भाजपा को सहयोग किया, ये बातें छत्तीसगढ़ की पूरी जनता, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि किन लोगों की वजह से कांग्रेस जो है वो सरकार में नहीं आ रही थी और बीजेपी किनके सहयोग से लगातार 15 वर्षों तक के उन्होंने शासन किया। मैं बता दूं, 2013 में ही परिवर्तन यात्रा, जीरम में जो परिवर्तन यात्रा पे नक्सली हमला हुआ, हमारे फ्रंट लाइन के जो नेता थे उनकी मृत्यु हुई, वे शहीद हो गए। यदि वो नहीं हुआ होता तो 2013 में ही बीजेपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार चुकी थी। इन्होंने हमेशा धन बल छल इनका उपयोग करते हुए 15 वर्षों तक के झूठ के सहारे, झूठे वादों के सहारे सरकार बनाई, जिसका मुंह तोड़ जवाब इस बार 2019 के चुनावों में जनता ने छत्तीसगढ़ की दिया है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है। और आने वाले मुझे 20-25 सालों में भी नजर नहीं आता कि भाजपा कहीं से खड़ी भी हो पाएगी इस प्रदेश में, क्योंकि 15 वर्षों तक शासन किया और 14 सीटों तक ये सिमट के रह गए। आप में चिंतन का समय है, करें मीटिंगें, करें, शिव प्रताप जी आए जाए। मुझे भी ऐसा लगता है कि श्री प्रताप जी को शायद और भी बहुत चीजों की जानकारी नहीं है, वो भी उन्हें कलेक्ट करनी चाहिए कि इन 15 वर्षों में भ्रष्टाचार किस कदर सड़कों पर बहा, किस तरीके के इस प्रदेश में राजनीतिक हत्याएं हुई, किस तरीके के कांड हुए, चाहे गर्भाशय कांड हो, चाहे नसबंदी कांड हो, चाहे आंख फोड़वा कांड हो, चाहे अंतागढ़ कांड हो, इन सारी चीजों का भी श्री प्रताप जी को विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल भंसाली जी, जैसे आपने सही कहा, 0.71% से, शायद मैं सही हूँ, 0.71% से आपकी सरकार बनते बनते रह गई, रमन जी की सरकार बन गई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि शहीदों के लिए नहीं कहना चाहिए, सिंपथी भी मिली थी मतदाताओं की, तो अब आप 0.71% पीछे रह गए, बड़े नेता नहीं थे आपके, लेकिन 0.71% सिंपथी के बाद का अंतर है। मैं नहीं मानता, मैं अभी भी कहता हूं कि झूठ, धन बल और छल, यही इनका 15 वर्षों में तीन चुनावों में, कहूं कि 2003 की बात करूं, 8 की बात करूं या 13 की बात करूं, यही इनका प्रोग्राम रहा, यही इनके कार्यक्रम रहे और जनता को गुमराह किया, और जनता को गुमराह करके ही ये सत्ता में काबिज हुए। और जब जनता को ये समझ में आया, जो विश्वासघात करने वाले लोग थे, जो वहां पर सहयोग करते थे, जब वो कांग्रेस से अलग हुए और कांग्रेस अपनी ताकत से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और नतीजे आज सबके सामने हैं। हम 70 सीटों पर इस प्रदेश में बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। मतलब आपका सीधे सीधे कहना है कि जोगी जी अलग हुए कांग्रेस से तो आप मजबूत हो गए? नहीं, विश्वासघात पार्टी के साथ रहकर जो वो कर रहे थे, और देखिए ये बातें जग जाहिर है, ये बातें बोलने की नहीं है, ये हर व्यक्ति जानता है। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आप तो सारी चीजों को हम सबसे ज्यादा बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसा सिनेरियो था, क्या चल रहा था, और अंतागढ़ कांड तो कोई नहीं भूल सकता। तो ये चीजें बिल्कुल जग जाहिर थी। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ये जानती है कि बीजेपी को कौन सहयोग करता था और कांग्रेस के साथ कौन विश्वासघात करता था। जब ये चीजें क्लियर हुई तो जनता ने बिल्कुल जनादेश जो है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया। तो बाबूलाल जी, निश्चित तौर पे मतदाता जनता, आप लोगों जैसे जागरूक जो पत्रकार हैं, जो लंबे समय से एनालिसिस करते आ रहे हैं, आप लोगों को तो मालूम था
कि क्यों बन रही सरकार, आखिर वजह क्या है, कलह थी कांग्रेस में। लेकिन अब ये मानिए कि बीजेपी के संगठन के प्रमुख कह सकते हैं आप, उन तक को ये मालूम है कि सिर्फ मात्र कांग्रेस में जो कलह थी, जैसा कि भंसाली जी ने भी कहा है कि वो सहयोग करते रहे हैं इंटरनल, यानी जोगी जी, तो जोगी जी के कारण बनती रही है क्या बीजेपी में, बीजेपी की सरकार वहां? देखिए, कांग्रेस के अंदर उस दौर में जब चुनाव हुए थे, तीसरी बार रमन सरकार आई थी जी, तब ये चर्चा होती थी कि हम लोग योगी जी के रहने के कारण ही जो है आगे नहीं आ पा रहे हैं जी। और भूपेश बघेल तो अंदर खाने में इस बात को स्पष्ट रूप से कहते थे कि अगर ये हमारी पार्टी में ना रहे तो हम लोग चुनाव जीतकर दिखा सकते हैं, ये बातें हम लोग सुनते थे जी। अब शिव प्रसाद जी ने जो है उस बात को स्पष्ट कर दिया है, मेरा कहना तो ये है कि उन्होंने ये इशारा करके कह दिया कि हम किसी और के भरोसे नहीं, अब अपनी ताकत से लड़ेंगे और अपनी ताकत से जीतेंगे। ये उन्होंने दम भरने के लिए कहा हो कार्यकर्ताओं को या जिसमें, लेकिन एक सच्चाई भी इसमें सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसी के भरोसे बनती थी, ये एक इशारा इसमें से निकला है। इसको आप किस रूप में लेंगे, विपक्ष किस रूप में लेगा, वो अलग अलग मुद्दा है, लेकिन राजनीति को थोड़ा भी करीब से समझने वाला व्यक्ति जो है, जो इन चर्चाओं के बीच रहता था, उसने इसको इस रूप में लिया है कि शिव प्रकाश जी एक ऐसे प्रवक्ता हुए, ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे नेता हुए जिन्होंने सच को स्वीकार किया है, जो आज तक की चर्चाएं चल रही थी उस सच को उन्होंने स्वीकार किया है। और ये एक अच्छी बात है कि वास्तव में ऐसा अगर था कि जो जोगी कांग्रेस के अंदर रहकर के जो गुटबाजी करते थे, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जो थे, वो चुनाव में कहीं हमको जोगी जिता तो भले ही न दे लेकिन हरा तो सकते हैं, ये डर उनके मन में रहा करता था कि अंदर रह के वो हमको हरा सकते हैं, इसलिए उनसे डरते भी थे। तो वो बातें जो है समाप्त हुई और जब चुनाव में उतरे चौथी ये इस बार, और इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में उतरे, पीएस बाबा में सपोर्ट किया, और एक जो चीज निकल के आई वायदे के रूप में, जो वायदा पत्र इन्होंने जो बनाया, घोषणा पत्र जो इन्होंने बनाया, वो एक ऐसी चीज बन गई जिसमें कुछ ऐसी बातें जुड़ गई जो जनता से जुड़ी हुई थी, जनता के दर्द को उसमें उकेर दिया गया था और जनता उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गई। कर्ज माफी की बात हो, चाहे वो 2500 रुपए धान की बात, ये धान खरीदी की बात हो, एक बहुत आदिवासी जमीन वापसी की बात हो, और भी बहुत सारी बातें जो उन्होंने की, तो वो निश्चित रूप से जो है वो अपील कर गई और सरकार बन गई है। जोगी जी जो अलग पार्टी बनी चुके थे, तो वो प्रभाव फिर भी जोगी ने अच्छी सीट जीत करके जो है ये तो बताया कि उनका आधार तो था, और उसी आधार के दम पर जो है कांग्रेस को हराने का काम वो करते थे, ये शिव प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है। रहा सवाल अब सरकार के सामने चुनौती का मामला जो है, सरकार ग्रामीण क्षेत्र की सरकार है, किसान मुख्यमंत्री की सरकार है, इनकी छवि ऐसी ही बनी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी, में बार बार इसको कहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार का नुक्स निकाल करके उसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं करेगी जनता के सामने, तो ग्रामीण जनता के दिमाग में इस वक्त जो है किसान मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल की सरकार बैठी हुई है, और वो ये ध्यान है कि ये किसानों की सरकार है, किसानों का भला करने के लिए बैठी है, वो कमी बेसी जो है बड़े बड़े कामों में होती रहती है, लेकिन मूल मंत्र जो है वो योजनाएं जितनी बन रही है सब गाँव के आधार पर बन रही है। मतलब आपका भी कहना है कि जोगी जी कांग्रेस को जिताने के लिए जितना काम नहीं करते थे, उतना हराने के लिए करते थे, आपसी ईगो के चक्कर में। ये भय सबके मन में रहता था और हम लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन ये एक ऐसी विधा थी उनके हाथ में, उनके पास ऐसी कुछ बातें थी, ऐसी हम तो उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं, हम तो उनको बहुत चतुर नेता मानते हैं, और ये देखिए कि उनमें जिता सके न सके लेकिन हराने की ताकत तो उनके अंदर में किसी के लिए भी थी। वो बातें उनके इसमें आती है कि उनसे लोग डरते भी थे इस मामले में। नहीं, जो जोगी जी ने अलग पार्टी बना के खड़ी की, आपने क्या एनालिसिस किया इसमें, वोट किसके कटे हुए? जो भी उनको वोट मिले हो, जितने प्रतिशत में वोट मिले, सीटें मिलना अलग बात है, हर जगह पे उनको वोट मिले हैं, वो बीजेपी के कटे हैं कि कांग्रेस के कटे हैं? दोनों के कटे हैं, सीटों के आधार पर कटे हैं, अलग अलग सीटों में अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से कटे, लेकिन कोई अगर ये कहे कि अनुसूचित जाति के सारे वोट कट गए हैं किसी के, तो ये संभव नहीं था। कुछ सीटों में उनका प्रभाव मिला उनको, कुछ सीटों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा, कुछ सीटों में भाजपा को नुकसान पहुंचा, और भाजपा इस बार जो है
जो उनकी रणनीति रहा करती थी उस रणनीति में फेल हुई। और निश्चित रूप से देखिए, जिसकी 15 साल की सरकार हो वो मात्र 14 सीट में सिमट जाए तो ये तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी को भी ऐसा एहसास नहीं था। सिर्फ अगर बात करें तो भूपेश बघेल जरूर ये बात कहते थे बार बार, ये 65 प्लस का जो नारा अमित शाह जी ने दिया है ये उनके अपनी पार्टी के लिए नहीं, वो हमारी पार्टी के लिए, और वो सच हो गया। तो हम तो ये मानेंगे कि भूपेश बघेल भर को एक अंदाज था भविष्य क्या होने वाला है, लेकिन बाकी किसी को भी अंदाज नहीं था कि 14 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी। मुझे स्वयं कोई विश्वास नहीं था। मैं कई चुनाव यहाँ पर कवर किया हूँ, मैंने पहली बार जो है ये महसूस किया कि मैं धोखा खाया और इतने कमजोर स्थिति में भाजपा आएगी ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था जी। मतलब जोगी जी के अलग होते ही मार्कंडे जी आपकी स्थिति 14 तक आ गई है, लब्बे लुआब ये निकल रहा है शर्मा जी की बातों से। देखिए ऐसा है कि जोगी जी के रहने से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा था और नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं रहने से फर्क पड़ गया? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखिए चुनाव जो होता है किसी व्यक्ति के कारण नहीं होता, चुनाव जो होता है मुद्दों के आधार पर होता है। और उस समय जिस समय चुनाव था उस समय जिस तरह से कांग्रेस ने झूठे जो है वादे इस तरह से तरोड़ दिए कि उनको सच्चे वादे समझ नहीं आए, तो उस कारण से वो उस समय का निर्णय था। लेकिन अगर सत्ता अभी कांग्रेस के चल रहा है और आज अगर 2.5 साल में अगर जनता के बीच जाकर अगर देखेंगे तो लोग किसान हो, जवान हो, महिला हो, कर्मचारी अधिकारी हो, सबके सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमसे क्या ऐसी भूल हो गई कि ये सरकार कांग्रेस की सरकार हमको मिली। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चीजें एक तरह से अगर देखा जाए तो उसी रूप में है कि कहीं ना कहीं इनके झूठे मनगढ़ंत और मार्कंडे जी झूठे वादे कैसे कह रहे हैं आप? मार्कंडे जी झूठे वादे कैसे कह रहे हैं भाई? उन्होंने 2500 में धान खरीदी किया, बोनस अतिरिक्त दिया राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, उन्होंने आदिवासियों की जमीन वापस की, कर्ज माफी की, फिर झूठे वादे कैसे कह रहे हैं? तो बता रहा हूँ ना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए। मैं ये पूछता हूँ कि कर्ज माफी कितने का किए? ये क्या कहे थे कि किसानों का कर्ज माफ होगा, क्या कर्ज माफ हुआ किसानों का? इसने कहा बाद में जब सत्ता आई तो बोले कि भाई हम अल्पकालीन रूप में लोन माफ करेंगे। फिर कहे थे वंशाली जी, आप ही के पास आ रहा हूँ वंशाली जी, उनकी बात आ जाए, आप सभी बात तो सुन लीजिए तब तो उनको प्रश्न करेंगे वंशाली जी को। वंशाली जी सुन लीजिए, आप ही के पास आएंगे, ये भी बताइए वंशाली जी उनकी बात सुन लीजिए, हम आपके पास आएंगे, आप सारी बातें कह लीजिएगा जी। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफी की बात कहे थे, पूर्ण कर्ज माफी हुआ नहीं। शराबबंदी की बात कहे थे, शराबबंदी हुआ नहीं। बेरोजगारों को रोजगार देना, 1 लाख रोजगार देना और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहे तो वो नहीं हुआ। आप कर्मचारी अधिकारियों को जो पुलिस वालों को जो छुट्टी देने की बातें थी वो नहीं हुई। और जो है शिक्षक भर्ती में उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनने वादा खिलाफी किए हैं और उसका दंश जो है वो आज जनता भुगत रही है। और इसमें झूठे वादे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसने जन घोषणा पत्र नाम दिया था, कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं। और आज ये मुकर रहे हैं कि भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं था, जनता का घोषणा पत्र जनता के बीच जाते हम बनाए थे। तो जनता को ये उल्टा फंसा रहे हैं। और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ, रही बात भंसाली जी का, तो भंसाली जी चुनाव में तो कांग्रेस के विरोध में काम किए, उस समय तो जोगी कांग्रेस में थे वो। तो भाई जब जोगी कांग्रेस में जो व्यक्ति रहे हैं और खुद ही कांग्रेस के विपक्ष में काम किए हैं, विरोध में काम किए हैं, अब उस व्यक्ति से अगर पूछेंगे कि आपकी सत्ता कैसे आई, या आओ उनको कहेंगे कि कितना जोगी जी विपक्ष में काम करते थे, तो वो बेचारा क्या बताएंगे बताइए आप। वंशाली जी इसलिए थे जोगी कांग्रेस में, मार्कंडे जी वंशाली जी इसलिए जोगी कांग्रेस में थे कि अंदर की बातें लेना था उनको, थोड़ा एक मिनट वंशाली जी, अंदर की बातें जानना चाहते थे, फिर उन्होंने जान करके कांग्रेस को बता दी। जब मुझे लगा कि सही चेहरा क्या है और क्या हो रहा है तब मैंने तत्काल छोड़ दिया। मैं तो मार्कंडे जी, मुझे आपके ऊपर दया आती है,
अब व्यक्तिगत जा रहे हो तो थोड़ा व्यक्तिगत सुन लो यार, क्या गलती की थी आपने, आपकी पार्टी ने आपकी टिकट काट दी, क्यों काट दी आपकी टिकट? आज टीवी डिबेट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मनोहर कहानियां सुना रहे हो आप, आपकी पार्टी ने आपकी टिकट क्यों काटी जरा ये भी बता दीजिए। ये रटा रटाया भाषण जो पढ़कर आप जो अभी मुझे सुना रहे हैं, व्यक्तिगत मैं भी जा सकता हूँ और व्यक्तिगत में बहुत ज्यादा जा सकता हूँ, शायद जवाब नहीं दे पाएंगे और समय खत्म हो जाएगा। नहीं व्यक्तिगत की नहीं है मंत्रालय जी, आप देखिए उसको अन्यथा ना लीजिए। आपको क्या समस्या है? राजनीति क्या समस्या है? लाइन को आपको क्या समस्या है? आपको क्या समस्या है? नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। आप क्या समस्या लीजिए? मैंने अपने जीवन के 19 साल कांग्रेस को दिए, मैंने अपने जीवन के 19 साल कांग्रेस को दिए। चलिए चलिए ठीक है, स्वागत है। नहीं अलग अलग हो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद को जो दूसरी पार्टियों से ला रहे हो, एक है हरिफ्योत की राजनीति करते, बोलने का अधिकार नहीं है आप लोग। चले चले भंसाली जी, एक मिनट भंसाली जी, मार्कंडे जी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि क्या उन्होंने अतिरिक्त बोनस नहीं दिया, 2500 में नहीं खरीदा, आप बोल रहे हैं कर्ज माफी नहीं की, और रहा सवाल इसका, एक बार सवाल सुन लीजिए, आपने कहा अभी कई और गिना दिए, शराबबंदी से लेकर के बेरोजगारी भत्ता, क्या आपने 5 साल के लिए अपना घोषणा पत्र बनाते थे तो 2 साल में 2.5 साल में ही पूरा कर देते थे? 5 साल के लिए चुनी गई है सरकार, जितने कुछ जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस 5 साल के लिए चुनी गई है ये मैं भी मानता हूँ जी, 2.5 साल पूरी हुई जी, 36 वादे इन लोगों ने किए हैं जी। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि 18 वादे ही बता देना, आधे साल में आधे वादे पूरे कर दिए। रही बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि इसने 2500 रुपये में दिया, तो भाई जब 2500 क्या मतलब, आप देखिए कि जिस समय सरकार इनकी आई उस समय तो 1700-1750 रुपये समर्थन मूल्य था, वो तो भाई केंद्र देता है, अंतर की राशि इनको देना है। अब मैं ये पूछता हूँ कि जब केंद्र अंतर की राशि बढ़ा रहे हैं 1950 रुपये में आ गए, तो क्या ये भी उस अंतर की राशि को बढ़ा रहे हैं क्या? पहला प्रश्न। दूसरी प्रश्न ये है साहब कि अगर ये 2500 रुपये में खरीदी कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ कि जो 1 साल पहले खरीदी हुआ है उसको 1 साल बाद आप भुगतान कर रहे हैं, अब 1 साल आज इस समय खरीदे उसका फिर अगले साल ये भुगतान तो कर रहे हैं ना मार्कंडेय जी। चलिए और उसमें भी सारे मार्कंडेय जी उत्तर ले लेते हैं, भंसाली जी उत्तर ले लेते हैं, मार्कंडेय जी एक बार आरोप हो गए आपके, भंसाली जी संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। अरे थोड़ा डरो भाई, इतना झूठ मत बोलो। इसमें पर क्विंटल काटे ही किसानों का, अभी जो भुगतान दो लोग कर देख लीजिए, दो लोग हमारे घोषणा पत्र की बात करते शपथ पत्र की वादे पूरे किए, किसानों के साथ छल किया, मजदूरों के साथ छल किया, युवाओं के साथ छल किया, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदियां बह गई। आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में कहा था कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, जवाब है आपके पास? नहीं है। आपकी आपको नितिन जी, आपको पता है कि शैलेश पांडे जी ने अपने दुख क्या व्यक्त किए थे? शैलेश पांडे जी ने कहे थे कि पुलिस वाले से कहिए कि भ्रष्टाचार में मत बदले। चलिए मुद्दा कहीं और जा रहा है मार्कंडेय जी, भंसाली जी, पुलिस विभाग में मुद्दा कहीं और जा रहा है, समय भी समाप्त हो रहा है। बाबूलाल जी आपसे सवाल है, ये मुद्दा क्या बीजेपी को और मजबूत करेगा जो भी उन्होंने कहा है, या और कमजोर करेगा, कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा? देखिए शिव प्रकाश जी की कोशिश तो यह है कि मनोबल बढ़ेगा, ऐसा सोच कर ही उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे कार्यकर्ताओं को एक बोझ महसूस होगा कि हम लोग अपने दम पर कभी जीते नहीं थे, हमारे प्रमुख जी ऐसा जब कह रहे हैं। तो दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए आपने भी सुना होगा कांग्रेस को दूसरा कोई नहीं हराता है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। ये तो इंदिरा जी ने कहा था, तीनों कार्यकाल में वैसा ही होता था। जब कांग्रेस एक हुई तब जो है वो कंफ्यूजन दूर हुआ और एकता के साथ लड़े तो जीत गए। और मैं आपको एक चीज बता दूं, नितिन जी को हर्ट किया आपने नवीन जी, नितिन बहुत कट्टर कांग्रेसी आदमी है, लेकिन क्या होता है जब कांग्रेस से कांग्रेस जब दो कांग्रेस बनती है ना, तो
तो छोटे नेताओं को और सेकंड कैडर के नेताओं को कंफ्यूजन होता है क्या करूं। उन्होंने जोगी जी को नेता माना था कांग्रेस में रहते हुए, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो जोगी के साथ रहे, लेकिन जब उन्होंने असलियत को समझा तो वो कांग्रेस में तुरंत वापस आ जाए, उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं उनकी कसमसाहट का। मैं अच्छे से जानता हूं, मेरे से संपर्क होता था, इसलिए उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो जोगी कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बना रहे थे, वो कसमसाते थे वहां पर रह करके। तो ये उनको व्यक्तिगत आपको नहीं कहना था, खैर कोई बात नहीं, जो थोड़ा थोड़ा मोड़ा तो चलता है। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा, ये तो होता रहता है बाबूलाल जी। श्यामाचरण जी ने कितना लंबा, श्यामाचरण असली कांग्रेस की तरफ गए थे, कितना लंबा उन्होंने वनवास भोगा था। जब सर इंदिरा कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस से टूट के, तो उस वक्त जो लोग आए थे कितने लोग फिर वापस, ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ये चीजें चलते रहती हैं, ये अब हिंदुस्तान में इसका कोई मायने बचा नहीं है नवीन जी। कौन कहाँ कब कैसे चला जाएगा, कब कहाँ किसके खिलाफ बोलेगा, कब कहाँ किसके सपोर्ट में बोलेगा, ये सब अब राजनीति का एक पार्ट बन गया है। आप मान के चलिए वो शुद्ध राजनीति अब नहीं रही है, राजनीति के अर्थ बदल गए हैं, राजनीति के मायने बहुत ज्यादा बदल गए हैं, इसलिए जो है इसको कहना गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा त्रिपाठी जी, इस मंच से कि भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पे जरूर है, लेकिन आप देखिए विधानसभा में ये 14 लोग जो स्थिति पैदा करते हैं विरोध के रूप में, बहुत पावरफुल ढंग से जो है विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, इसको मैं मानता हूं, बहुत मजबूत लोग गए हैं। तो आप एकदम ये भी मत समझिए कि पूरी तरह से एकदम कमजोर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के संगठन के तौर तरीके काम करने के क्या है वो आप भी जानते हैं त्रिपाठी जी, किस तरह से वो अगर वो चाहे कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव लड़वाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो वो जिस तरीके से जो अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए उन्होंने एक जाल सरीका बिछाया था, वो जाल बिछा करके अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के माध्यम से अपने प्रचारकों के माध्यम से वो माहौल बना सकते हैं। इसलिए कांग्रेस इतने मुगालते में भी ना रहे कि बहुत कमजोर विपक्ष है। विपक्ष की स्थिति आज 2.5 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी है, इससे आप सतर्क रहें कि वो कमजोर नहीं है, वो लोग भी मजबूती से अपना रणनीति बना रहे हैं। चल बिल्कुल सही कहा आपने, विपक्ष बहुत अच्छे से बीजेपी निभाती है। 65 रुपए पेट्रोल था तो पूरे देश में हाय तवा मच गई थी, जबकि डॉलर में 145 रुपए प्रति डॉलर जो वो था बैरल वो था और 65 रुपए था। आज 73 रुपए डॉलर में है प्रति बैरल और 105 रुपए 104 रुपए में है, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। और उस समय पूरे देश में साइकिल चलने लगी थी, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक साइकिल चलाने लगे थे 65 रुपए में, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। चले बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, नवीन जी आपको और भंसाली जी आपको हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के। तो बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर दौरे पर जो कहा है उसके बाद ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगातार 15 साल तक सिर्फ फिर से शासन किया क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। वैसे शिव प्रकाश ने जो कहा है उससे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि मिशन 2023 के मद्देनजर पार्टी में जिम्मेदारियों को लेकर जल्द कोई बड़ा फेरबदल होने के साथ ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार डॉक्टर रमन सिंह के अलावा शायद कोई और भी हो सकता है। खैर सियासी उठापटक में आगे और क्या नया होगा इसको तो पता नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा।